लोकेंद्र सिंह कालवे। नवंबर से पहले तो मैं तकलीफ दूंगा आपको, इसलिए अभी और तो भी एडवांस में देने में कोई दिक्कत नहीं है। 10.5 महीने पहले इसी तरह से इसी राजपूत सभा भवन में एक बहुत बड़े बाउंडर को रोकने के लिए, और क्या था कि भंसाली को थप्पड़ मार दिया। मेरी बहन बेटी पर इज्जत अगर गुस्ताखी करे, मैं थप्पड़ मारने लायक भी नहीं हूं। हमारे बुजुर्गों ने तो सिर कटवा दिए थे, काट दिए थे, क्या मैं थप्पड़ मारने लायक भी नहीं हूं? और आज इस स्थिति में आप सब लोगों के दबाव में एक लिखित में एग्रीमेंट हुआ था 30 जनवरी को गांधी जी की ओम शांति शांति के एक दिन पहले। क्या एग्रीमेंट था? प्री सेंसर बोर्ड बनाएंगे हम फिल्में में, पर एक जो मुख्य बात थी कि राजपूत करनी सेना व सभी सामाजिक संगठनों को विश्वास में लेकर इसका प्रमोशन और इस फिल्म को चलाने की कोई बात की जाएगी। ये जो एक्ट है ये सीधा सीधा कहता है रूल 38 सिनेमेटोग्राफी रूल्स प्रोवाइड दैट ट्रेलर ऑफ ए मूवी कांट बी रिलीज्ड टिल ए क्लीयरेंस फ्रॉम सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड से परमिशन से पहले प्रोमो रिलीज नहीं किए जा सकते। सेंसर बोर्ड में फिल्म 19 तारीख को जाएगी। जो हम पर क्वेश्चन उठता है, क्या आप सेंसर बोर्ड क्यों नहीं जा रहे? हम हैं, हम उस दिन से हैं सेंसर बोर्ड में। तत्कालीन आईटी मिनिस्टर वेंकैया नायडू जी से पर्सनली और राज्यवर्धन जी से पर्सनली मिलकर हम हमारे ऑब्जेक्शन रेज करके आए हैं, और सेंसर बोर्ड की लिमिटेशंस हैं। सेंसर बोर्ड इतिहास की विवेचना नहीं करता, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी थी कि प्री सेंसर बोर्ड हो ऐतिहासिक फिल्मों पर, और हमने गिल्ड और आईटी मिनिस्ट्री सूचना प्रसारण मंत्रालय दोनों से लगभग लगभग स्वीकृति प्राप्त कर ली है। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की एसोसिएशन है उन्होंने भी कहा सही है बात, और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी हमारी बात का समर्थन। अब कब बनेगी, कैसे बनेगी, हमने दो पत्रकार, दो इतिहासकार और एक जज के उसमें एक प्री सेंसर बोर्ड जो इतिहास पर ही विवेचना करे। आज पूरे देश में जो पिछले दिनों में बहस में बैठा हूं, पद्मावती पर ही सवाल उठ गया। ये तथाकथित प्रगतिशील जो ज्यादा ही प्रगतिशील जो लोग हैं, एक एंकर अड़ गई थी अभी मेरे से कि पद्मावती की मां का नाम बताओ, मैं नहीं बताता कि मेरे को पता है। फिर ये बहस क्यों है? फिर ये बहस किस बात की है? 6 फुट 4 इंच का हूं, 120 किलो का हूं। मेरे हरिद्वार में बैठे पंडित, पुष्कर में बैठे पंडित भाटचारण से कहीं से उठा लीजिए, मेरी 37 पीढ़ी पहले राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती थी या नहीं? क्या हो रहा है? उंगली हम पर उठेगी। मैं नहीं हूं इसका पक्षकार। ये क्या है? उस दिन जब हमारे अध्यक्ष जी हमारी टीम के साथ में उसे मिलने गए थे, हवाई फायर करके रोकने का प्रयास, इसीलिए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान हो कि मुकदमा हम भी दर्ज नहीं कराएंगे। अगर भंसाली नहीं कराएगा तो हम भी नहीं कराएंगे। ये क्या है? नहीं नहीं, ये अलग चीज। ये क्या है? ये क्या कह रही है? दिस इज लिटरली अ प्रोवोकेशन टू राजपूत करनी सेना। इस कम्युनिटी को दिस इज अ परफेक्ट चैलेंज। कैसे चलेगी फिल्म? सेंसर बोर्ड ने पास नहीं करी, फिल्म चलेगी? पूरी भारत सरकार, सारी कांग्रेस, बीजेपी, सारी पार्टियों के आदमी ये कहने में लगे हुए हैं फिर भी चलेगी। मैं धरती से आया हूं, गुजराती में सुना था कि अहिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा तो मजबूरी है।
क्या बताना चाह रहे हैं, ये हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, फिर कहेंगे कोटा में करणी सेना ने जला दिया। मैं अभी भी 10:30-11 महीने पहले ही हूं, जौहर की ज्वाला है, बहुत कुछ जलेगा, रोक सको तो इस पद्मावती को रोको। एक बकवास जो पिछले 7-8 दिन से चल रही है, फिल्म आपको दिखा रहे हैं ना, गिरिराज सिंह जी मेरे को फोन कर रहे हैं, आप तो नहीं देख रहे अकेले, मैं महिपालपुर में हूं, खेल को अकेले नहीं दिखा रहा कहीं, ये देख रहा है कहीं मैं अलग से, सब बकवास, सारे सिरे से बकवास। और ये 9 और 11 इसका जो जवाब दिया था, सिरे से बकवास, एसएलबी का एक लेटर 9 नवंबर का, आप कॉपी रखिएगा, और उसका जवाब राजपूत सभा और हम सब संस्थाओं की तरफ से, योर लेटर नंबर सो इन सो, दिस इज दिस थिंग दैट थिंग दैट थिंग दैट थिंग दैट थिंग एंड दिस लेटर इज नथिंग बट ए जगलरी ऑफ वर्ड्स व्हेन इट वाज क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड अस कि वी विल शो यू एंड हैव द आपका विश्वास लेकर हम विल कैरी फॉरवर्ड द फिल्म देन व्हाट इज गोइंग ऑन व्हाट इज 1st December हाउ केम दिस 1st December कहां से आया ये 1 दिसंबर और ये इस तरह की तारीखें आती हैं जाती हैं 1 दिसंबर को पद्मावती फिल्म नहीं लगने देगी ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूं अभी 12 तारीख को हम आए हैं गुजरात से गांधीनगर से आज 15 है 2 दिन में थकान न उतरी होगी 19 को हम लखनऊ कल के दिन लखनऊ में हूं परसों के दिन पटना में तरसों के दिन भोपाल में उसके अगले दिन गुड़गांव में और उसके अगले दिन कम से कम 1,00,000 है 50,000 है 5,000 है ये पता नहीं है पर बहुत बड़ी संख्या में हम जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि जिस सिर कटाकर इतिहास रचा था अब सिर गिना करते होगा हम 25 को गुड़गांव में हैं बड़ा आयोजन हम 26 को पटना में हैं फिर बड़ा आयोजन हम 27 को लखनऊ में हैं हम 28 को भोपाल में हैं 28 और 30 में अभी बात चल रही है इसलिए ये तारीखें आ रही है क्योंकि 1 तारीख पर इस तरह के बयान आ रहे हैं फिल्म रिलीज होगी मैं दुर्भाग्य क्या उस समय सौभाग्य था जब बास्केटबॉल खेलता था प्रकाश जी भी बैडमिंटन खेलते थे मैं उस सज्जन आदमी के इस तरह से बेटियों से सुनने को अगर मुझे मौका पड़ेगा फिर आप कहेंगे कि साहब देखिए औरत पर हाथ उठाने हैं मैं एज ए बेटी के तौर पर उसको समझाऊंगा नहीं क्या चाह रहे हैं मत करो मैं बार बार कह रहा हूं मत लो राजपूत की परीक्षा अनुशासन की परीक्षा में फेल हो गया बहुत अच्छा दिन नहीं होगा जा रहा है उस रास्ते अब ये गाड़ी जा रही फिल्म हॉल ओनर्स एसोसिएशन एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ राजस्थान उन्होंने मना कर दिया कि जोधा अकबर के समय हमने काम नहीं करना था और अब भी हम पद्मावती में काम नहीं करेंगे फिर भी ट्रेलर दिखा रहे हैं कोई मुफ्त लोग क्यों इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि बच्चे जोश में होश खो बैठे बहुत आक्रोश है मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है नहीं तो मैं आपको दिखाता गुजरात जैसे शांत प्रदेश में जहां अहिंसा और शांति का सब कुछ शब्द वहां से निकला इस तरह से आक्रोश है कि सब लोगों ने तय किया कि 1 तारीख को देश बंद कर दीजिए कालवी साहब आप ऐलान करके देखिए मैं आज जयपुर की धरती से 1 तारीख जो आएगी नहीं ये भी गारंटी है पर अगर आ रही है 1 तारीख को देश को बंद करने का आह्वान करता हूं मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं गुजरात की नहीं भोपाल की मध्य प्रदेश की नहीं बिहार देश को बंद करने का आह्वान करता हूं सभी जातिगत सभी धार्मिक सभी पार्टीगत संगठनों से आह्वान करता हूं जौहर की ज्वाला में कोई उल्टा सीधा हाथ मत डालो तो फिल्म पद्मावती का विरोध जिस तरह से करणी सेना कर रही है उसको लेकर राजपूत सभा भवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर